हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग बेसिकली दो टाइप की होती है, पहली होती है ऑटोमेटिकली और दूसरी होती है मैनुअल। ऑटोमेटिकली को हम बोलते हैं वेडिंग कास्टिंग और मैनुअली बोलते हैं नैरो कास्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोमेटिकली बात कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें ऑटोमेटिक में क्या होता है कि हम लोग स्मॉल साइज जो टाइप होते हैं उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, पास कर देते हैं लार्ज साइज में। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं, वो ऑटोमेटिकली होता है वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक इंट टाइप का डेटा टाइप लेंगे और उसमें हम लोग वेरिएबल लेंगे इंट और हम लोग वैल्यू दे देंगे 9। देन उसके बाद हम लोग डबल टाइप का डेटा टाइप लेंगे, वेरिएबल नेम डबल माई डबल, और हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे किसका इंट की, जो इंट का वेरिएबल नेम है वो यहाँ पे पास कर देंगे। देन हम लोग आप इसको प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग माई इंट को प्रिंट कर लेंगे। देन सेम प्रोसेस हम लोग इसमें माई डबल पास कर देंगे। देन देखिए ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया है कि हमने साइज जो है स्मॉल साइज को हम लोग ने पास कर दिया है लार्ज साइज टाइप में। इसको रन कराएंगे अगर तो हमारा जो आउटपुट होगा उसमें इसको दो टाइप आउटपुट देंगे, माई इंट का दिखेगा और एक माई डबल का। देखिए जो इंटीजर का है, इंटीजर की वैल्यू क्या होती है 9 हम लोग का है और ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया किसमें डबल में। तो हमारा जो आउटपुट है, नेक्स्ट आउटपुट है वो क्या है 9.0 आउटपुट है। इसको बोलते क्या है, वेडिंग कास्टिंग बोलते हैं। मतलब कि ऑटोमेटिकली कास्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्मॉल टाइप से टू लार्ज टाइप साइज में। ठीक, जैसे कि हो गया अगर बात करें कि बिट से शॉर्ट में, शॉर्ट में शॉर्ट से फेयर, कैर में कैर से इंट में, इंट से लॉन्ग में और फ्लोट को डबल में। ये इस तरह सीक्वेंस फॉलो करते हैं, जैसे कि बाइट, बाइट से हम लोग शॉर्ट में, देन शॉर्ट से कैर, देन कैर से इंट, देन इंट से लॉन्ग, लॉन्ग से फ्लोट, देन डबल। इस तरह ये सीक्वेंस फॉलो करता है ऑटोमेटिकली वाला। ठीक, देन आप बात करते हैं मैनुअली, जो मैनुअल कैसे वर्क करता है। ठीक, मैनुअल के लिए मैनुअल जो वर्किंग करते हैं उसको आप देख लेते हैं वर्किंग कैसे होती है। वो इस तरह होती है, डबल से फ्लोट, फ्लोट से लॉन्ग, लॉन्ग से इंट, इंट से कैर, कैर से शॉर्ट, शॉर्ट से बाइट। ये उल्टा चलती है, ठीक, मैनुअल में। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसी में चेंजेस कर देते हैं। इसमें कैसे चेंजेस करेंगे वो देखते हैं हम लोग। जो वैल्यू है यहाँ पे इंट की जगह वैल्यू हम लोग डबल की वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, डबल के हम लोग यहाँ वैल्यू सेंड कर देंगे। वैल्यू होगी 9.78 d, d की मतलब होता है डबल। ठीक, हम लोग अब यहाँ पे एक वेरिएबल डेटा टाइप लेंगे इंट, यहाँ पे इसका वेरिएबल नेम देंगे माय इंट। देन हम लोग ब्रैकेट में इंट को पास करेंगे और यहाँ पे हम लोग जो डबल का वेरिएबल नेम था वो यहाँ पे असाइन कर देंगे। देन ये हम लोग ने मैन्युअली क्या किया, कन्वर्ट किया है। ठीक, और नैरो डेटा टाइप में जो नैरोइंग कास्टिंग होती है, जो मैनुअल कास्टिंग होती है, ये क्या होती है, ये पैरेंथेसिस में होती है, इसलिए हम लोग ने ब्रैकेट में, ये जो ब्रैकेट में ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम लोग ने डेटा टाइप इन डाला है और हम लोग ने डबल का जो वेरिएबल नेम है यहाँ पे असाइन कर दिया। ये मैनुअल होता है। अगर हम लोग इसका प्रिंट करेंगे तो प्रिंट सीक्वेंस का करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, माई डबल को प्रिंट करेंगे, देन हम लोग माई इंट को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक, अगर हम लोग रन कराएंगे इसका तो आउटपुट जो हमारा आएगा सेम 9.78 आ गया, हमारा डबल का आ गया और जो उसके बाद कन्वर्ट होगा डबल किसमें आ गया, इंट में। ये हम लोग ने मैनुअली किया है तो हम लोग जो आउटपुट, जो इंट का आउटपुट आ गया वो आ गया 9 आ गया। ठीक, अगर हम लोग माई डबल का आउटपुट हटा दें तो हमारा इंट का आउटपुट क्या आ गया है कन्वर्ट करके, वो आ गया 9 हमारा आ गया। ठीक, ये तो हुई टाइप कास्टिंग की बात। नाउ अब आते हैं ऑपरेटर की, कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी देखते हैं प्लस माइनस का। पहले सबसे पहले प्लस का इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल डेटा टाइप ले लेंगे, इससे वेरिएबल लेंगे एक्स नाम का और 100 वैल्यू लेंगे, वो प्लस कर देंगे प्लस 50। ठीक, हम लोग 50 को वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देंगे और इसको हम लोग रन कराएंगे। ये हमारा हो गया प्लस ऑपरेटर हो गया। सेम हम लोग इसमें मल्टीपल ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग सबसे पहले इसी में प्लस में हम लोग चेंज करेंगे कि इसको कितनी टाइप से हम लोग ऐड कर सकते हैं। देखिए इंट हम लोग एक्स है, एक्स वन ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग
जो एक्स को पास करते हैं वेरिएबल पास कर लेते हैं पहला वेरिएबल, उसके बाद हम लोग एक नंबर पास कर लेते हैं, मेमोरी पास में 200 पास कर लेंगे। और यहीं पे हम लोग अगर हम लोग आप देखें इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे वेरिएबल एक्स1 को पास कर देते हैं, ठीक। जिसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए एक्स का जो आउटपुट क्या आएगा 350 आ गया है। कैसे आएगा कि एक्स का टोटल कितना हुआ, एक्स का टोटल हुआ यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स की टोटल हुआ 150 टोटल हुआ, 150 शुरू किसमें हो गया एक्स में, फिर एक्स हम लोग यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, हम लोग एक्स की वैल्यू क्या हो गई 150 हो गई, प्लस हम लोगों ने क्या दे दिया 200 दे दिया है, 200 मतलब 200 प्लस 150 टोटल कितना हो गया 350, तो हम लोगों ने 350 को यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट करा लिया। अब बात कर लेते हैं एक और वे से, यहाँ पे इंट ले लेते हैं x3 नाम का वेरिएबल ले लेंगे, देन यहाँ पे हम लोग x2 को प्लस कर लेते हैं, किसमें x2 को प्लस कर लेते हैं, सॉरी x2 नहीं है तो x1 हम लोग दो बार प्रिंट कर लेते हैं, दो बार निकाल लेते हैं आउटपुट ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल पे पास कर देंगे x3 और इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो ये कैसे वर्क करेगा वो देखिए, टोटल जो इसका आंसर आएगा 700 आएगा, वो कैसे वर्क कर रहा है देखिए, टोटल कितना हो गया ये यहाँ पे एक्स वन की जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई थी, टोटल 350 थी, 350 हो गई थी वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स1 को दो बार हम लोग प्रिंट ऐड कर रहे हैं, तो x1 की वैल्यू क्या थी 350 थी और प्लस 350, तो टोटल कितना हो गया 700 किसमें स्टोर हो गया, वो हो गया x3 में स्टोर हो गया, x3 की वैल्यू कितनी हो गई 700, और 700 हम लोग ने क्या कर दिया x3 को हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, ठीक। अगर हम लोग इन दोनों को कमेंट कर दें, सिंगल अनकमेंट कर देते हैं और हम लोग अब करते हैं, तो हमारा टोटल x3 का जो आउटपुट होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, क्या होगा आउटपुट 700 का आउटपुट है गया, ठीक। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल हो गया, बिटवाइज हो गया, वो एक एक करके करते हैं हम लोग। जैसे कि यहीं पे हम लोग अगर बात करें, हम लोग यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, ठीक, ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको कमेंट को हटा दें अगर, तो हमारा ये माइनस हो जाएगा, टोटल हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं लास्ट पार्ट को, और हमारा क्या आ गया 50 आ गया आंसर पहले स्टार्टिंग का, ठीक है। इसी में हम लोग मल्टीप्लाई का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, टोटल हमारा आंसर आएगा 5000 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक। हम लोग अब इसमें एडिशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए हम लोग ने डेटा टाइप है इंट, हम लोग ने एक्स की वैल्यू को असाइन किया 10, देन हम लोग एक्स को यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया, कितना प्लस कर देंगे हम लोग 5, तो हम लोग अब हम एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारा जो वैल्यू होगी कितनी टाइम हम लोग ऐड कर दिए इसमें 5 times, तो हमारा 5 times वैल्यू बढ़ के कितना आउटपुट आएगा, हमारा आउटपुट हमारा 15 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, एक्स प्लस इक्वल टू 5, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे थी 10 और 10 को हम लोग ने प्लस कर दिया कितना 5, तो टोटल कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 15 वैल्यू आ गई, ठीक, क्योंकि हम लोग ने क्या किया 5 ऐड किया यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 10 ऐड कर देते हैं तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी आएगी 20 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस, यहाँ पे जो एडिशन ऑपरेटर जो असाइनमेंट था उसको हम हटा के अगर माइनस का साइन लगा दें तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या माइनस क्या आएगा, माइनस 0 आ जाएगा, ठीक, सॉरी माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे अगर हम लोग 5 चेंज करके वैल्यू 5 लिख दें तो हमारा जो आउटपुट क्या आएगा वो आएगा 5 आएगा। इसी तरह आप लोग बाकी ऑपरेटर का परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल का साइन ऑपरेटर का परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस इक्वल देन हम लोग माइनस का भी हम लोग ने करके देखा, माइनस इक्वल टू का, देन आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग बात कर लेते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक। तो इसको हम लोग यूज करते हैं, देन यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग एक डेटा टाइप लेते हैं, डेटा टाइप होगा हमारा इंट टाइप और डेटा टाइप, देन इंट एक्स इक्वल टू 5 वैल्यू लेंगे, देन इंट वाई इक्वल टू 3 वैल्यू लेंगे, देन हम लोग इसको कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रिंट कर लेते हैं सम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक।
एक्स ग्रेटर देन वाई, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, रहता है ट्रू आएगा, नहीं तो है फॉल्स आएगा, ठीक। तो एक्स ग्रेटर देन फाइव, एक्स हमारा बड़ा है तो क्या वैल्यू आ गई, ट्रू आ गई। और यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को हम लोग अगर घटा दें, एक्स की वैल्यू टू कर दें, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक। ये वो कंपेरिजन, हम लोग दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, ठीक। ये जो आउटपुट हमको देगा बुलियन फॉर्म में देगा, ट्रू और फॉल्स फॉर्म में देगा, ठीक। अगर हम बात करें अब कैसे कि अपर केस टू लोअर केस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैसे स्ट्रिंग की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग, इसका स्ट्रिंग का नाम लेते हैं टेक्स्ट, वेरिएबल का नाम लेते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग दे देते हैं, स्ट्रिंग कुछ भी दे सकते हैं, देन लास्ट में हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग कैलकुलेट करेंगे, आप डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में उसमें स्ट्रिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, और या तो आप दूसरा कोई वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए वेरिएबल ले लेंगे एल, और यहाँ पे हम लोग टी एफ टी डॉट लेंथ का इस्तेमाल करेंगे, और हम क्या करेगा ये इसको हटा देते हैं पहले, सबसे पहले हम लोग उसमें बात कर लेते हैं सिस्टम की डॉट आउटपुट की, उसमें वे में, देन यहाँ पे हम लोग टी एफ टी डॉट लेंथ नाम का, यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग अगर रन कराएंगे तो टोटल किसकी लेंथ होगी, जो टेस्ट लेंथ होगी वो क्या होगी, कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और इसी में बात कर लेते हैं कि जो ये सारे टेक्स्ट हैं, देखिए हमारा क्या आ गया 21 जो लेंथ है इसकी आ गई, ठीक। हम अब बात करते हैं टू अपर केस की, सबसे पहले तो यहीं पे हम लोग टू अपर लगा लेंगे, टू अपर, ठीक। अगर हम इसको रन कराएंगे तो टोटल जो ओ हमारे जो टेक्स्ट थी वो क्या होगी, अपर फॉर्म में आएगी, मतलब कि जो स्मॉल लेटर में है वो सारे सारे कैपिटल लेटर में आएंगे, तो हमारा आउटपुट देखिए क्या आ गया, कैपिटल लेटर में आ गया, ठीक। अगर इसी में हम लोग कुछ कैपिटल लेटर डाल देते हैं, ठीक, और अब इसको रन कराएंगे तो हमारा तब भी ओवरऑल जो हमारा डेटा होगा वो क्या आएगा, कैपिटल लेटर में ही आएगा, ठीक। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करके या इसको हम लोग चेंज करके दे देते हैं टू लोअर, ठीक, टू लोअर, ठीक, टू लोअर दे देंगे तो ओवरऑल दो डेटा आएंगे। सबसे पहले क्या आएगा कि हमारा इसको हम लोग अगर पहले कमेंट कर देंगे टू अपर को, हमारा जो डेटा आएगा क्या आएगा, जो सारे का सारा जो डेटा आएगा वो लोअर फॉर्म में आएगा, जो बीच में कैपिटल लेटर में ये भी हमारा क्या आएगा, लोअर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक, लोअर कैपिटल, मतलब स्मॉल लेटर में सारे आ जाएंगे। देखिए हमारा जो डेटा आ गया क्या आ गया, स्मॉल लेटर में सारे के सारे आ गए, ठीक। अब बात करते हैं इंडेक्स की, ठीक, इंडेक्स ऑफ की, इंडेक्स ऑफ का ऑपरेशन क्या होता है कि हम लोग पोजिशन पता करना हो किसी भी टेक्स्ट की, ठीक, तो हम लोग इंडेक्स ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसी में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कैसे कि हम लोग लिखेंगे इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे हम लोग पास करते हैं किसका हम लोग इंडेक्स देखना चाहते हैं, ठीक। बीच में अगर हम लोग यहाँ पे स्पेस दे देते थोड़ा कोड विद विकास डाल देते हैं, ठीक, इसी टेक्स्ट के में, ठीक, तो हम लोग किसकी किसका इंडेक्स नंबर देखना चाहते हैं, तो हम लोग देखना चाहते हैं कोड का, ठीक। तो हम लोग इसको करेंगे डबल कोट में देंगे कोड, ठीक, हम इसको रन कराएंगे तो हमारा कोड का जो इंडेक्स होगा वो हमको यहाँ पे देगा, देखो 13 नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, कोड आ रहा है, ठीक। अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो 13 नंबर पे ही हमारा ये आएगा, कोड आएगा। अगर हम चेंज करके यहाँ लिख दें विकास, तो हमारा जो विकास का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे हम लोग को शो करके देगा, वो है 23 हमारा आ जाएगा। देन अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने इसके पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात किए थे कि जो प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किए थे दो टेक्स्ट को कंबाइन करने में, उसी तरह इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करने के लिए, ठीक, कंबाइन करने के लिए, इसको बोलते क्या है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो स्ट्रिंग ले लेंगे, देन स्ट्रिंग का नाम ले लेंगे फर्स्ट, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग दे देंगे जैसे कि हेलो, देन स्ट्रिंग टू ले लेंगे, इसका नाम रख लेते हैं कोड विद विकास, देन हम लोग अब इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, कॉन्कैटिनेशन करते थे। कैसे करेंगे, हम लोग दोनों वेरिएबल का यहाँ पे नेम दे देंगे, जैसे कि फर्स्ट
प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन इस्तेमाल होता है किसने जॉइन करने में, और हम लोग दूसरा वेरिएबल का नाम देंगे सेकंड, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, दोनों जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे आपस में। ठीक है, इसको रन करेंगे, देखिए क्या आ गया, हेलो कोड विद विकास। अगर हम चाहते हैं थोड़ा स्पेस देना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्लस के बाद फिर यहाँ प्लस दे देंगे, फिर गैप छोड़ देंगे, और हम लोग अब रन कराएंगे तो हमारा थोड़ा स्पेस आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पहले क्या था, स्पेस नहीं था हेलो को कोड के बीच में, अब क्या आ गया, स्पेस आ गया। ठीक, ये हो गया कॉन्कैटिनेशन की बात। और इसमें आपको बात करें कि कॉन्कैटिनेशन, आप कॉन्कैट का जो फंक्शन है, जो मेथड है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं, हम लोग इसी में चेंज करते हैं। हम लोग फर्स्ट लेंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वेरिएबल नेम, देन डॉट कॉन्कैट, यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे क्या, सेकेंड वेरिएबल नेम, देन हम लोग इसको रन करा देंगे, तब भी ये हमारा आउटपुट हमारा डिस्प्ले होकर आएगा। ठीक, ओके, एक ब्रैकेट नहीं लगा। ठीक, देन देखिए हमारा, तब भी हमारा आउटपुट प्रिंट होकर आएगा। आप प्लस साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं दो टेक्स्ट को कंबाइन करने में, या कॉन्कैट मेथड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए, जो कंबाइन करने के लिए। ठीक,